बूढ़े शक्तिमान की टांग तोड़ने की बात छेड़ दी, जिससे गणेश जोशी भड़क गए और दोनों के बीच में जमकर नोक झोंक हुई है। तो बूढ़े की बात पर दोनों में हुई है नोक झोंक। तो बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा और गणेश जोशी के बीच हुई है नोक झोंक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, केवल घोड़े की बात छेड़ देने भर से इतने नाराज हो गए गणेश जोशी की नोकझोंक हो गई रॉबर्ट वाड्रा और गणेश जोशी के बीच? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, आज जो सोनिया गांधी के दामाद जो रॉबर्ट वाड्रा जो है देहरादून पहुंचे थे, और इसी बीच जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो देहरादून एयरपोर्ट जब पहुंचे तो वो जब उन्होंने गणेश जोशी को देख के बोला कि क्या कहते हैं, ये वही है जिन्होंने घोड़े की टांग तोड़ी। यही सुनते ही जो गणेश जोशी भड़क गए और दोनों के बीच काफी तूतू है, जिससे कि पुलिस वालों को बीचों बीच आना पड़ा और इनको छुड़ाना पड़ा। जी नीरज, जब वो पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा ऋषिकेश, तो उस वक्त गणेश जोशी क्या कर रहे थे वहां पर? जी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जो कृष्णा जो यहाँ पे आई हुई है, तो उनको स्वागत के लिए यहाँ पे आए थे जो कि इसी बीच जो है रॉबर्ट वाड्रा ने शक्तिमान घोड़े पर जो है कमेंट किया, जिसके बाद जो है माहौल काफी गर्मा गर्म हो गया।